सफर के लिए सफर करते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा सुविधा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। सो गाइज, इससे पहले आप ISBT का वीडियो देख चुके हैं और वहां का क्या हाल था ये भी आप वीडियो में देख चुके हैं। और अब हम लोग आ पहुंचे हैं गांधी मैदान बस स्टैंड के पास। तो ISBT जो कि एक प्राइवेट बस स्टैंड है और यहां पे जो गांधी मैदान है ये सरकारी बस स्टैंड है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि यहां से कहां कहां के लिए और किस किस रूट के लिए बसें निकलती हैं और सभी की टाइमिंग क्या है, वो सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को लग्जरी बस, AC बस और नॉन AC बस, ये तीनों तरह के बसें आपको मिल जाती हैं और सभी का अलग अलग आपको यहाँ पे किराया लगता है। तो आइए हम लोग पता करते हैं कि सभी का क्या फेयर है। तो यहाँ पे देखिए, आप AC कोच आपको मिल जाता है औरंगाबाद दौद नगर, और सभी के नीचे नंबर है, आप कॉल करके यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं और बस का जो टाइमिंग है और जो प्राइस है वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंटर एक लाइन से लगा हुआ है जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और बस की जो टिकटें हैं वो आपको यहीं से मिलेंगी और यहाँ से आपको हर जगह की बसें मिल जाएंगी जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा है। तो एक बार इंक्वायरी भी करते हैं कि कहाँ तक बस हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे रात्रि सेवा है और ये जो है ये डाल्टनगंज जाती है बस, और यहाँ से ये देख सकते हैं यहाँ पे भाया औरंगाबाद अम्बा हरिहरगंज छतरपुर, ये सभी जगह ये बसें जाती हैं। और आप अगर चाहें तो यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग फॉर रेड बस, तो रेड बस से भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो बिहार के सभी जिलों के लिए आपको यहाँ से बस मिल ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बिहार के बाहर का भी बस आपको मिल जाता है जैसे कि नेपाल हो गया, काठमांडू हो गया, तो उन सब जगहों का भी बस आपको यहाँ से मिल जाता है। तो चलिए हम लोग अब पता करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जनकपुर धाम या फिर काठमांडू, तो उन सब जगहों के लिए भी यहाँ से बस खुलती हैं, उन सभी का अलग टाइमिंग ही है बना हुआ। तो अभी हम लोग बताते हैं आप लोगों को, बोर्ड पे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किस किस जगह ये जो जनकपुर धाम है और काठमांडू का, मतलब जितने भी ये सब जगह हैं जो बिहार के बॉर्डर से बाहर हैं, तो उन सब जगहों के लिए बस मिलती है और उसका भी बोर्ड पे लिखा हुआ जो आपको हम दिखाते हैं। तो भारत नेपाल सेवा यहाँ पे है और ये एक स्पेशल काउंटर बना हुआ है यहाँ पे, और सभी का जो टाइमिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पटना टू काठमांडू टाइमिंग है 1:30 बजे और अराइविंग है 6 बजे, और पटना टू जनकपुर भी है और यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये किन किन जगह से होते हुए जाती है, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, बीरगंज, और जनकपुर धाम के लिए ये जाती है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और भीठा मोड़। अगर आप बोध गया जा रहे हैं तो बोध गया से काठमांडू के लिए बस आराम से आपको मिल जाता है जो कि पटना से होते हुए काठमांडू की तरफ जाता है। काठमांडू और जनकपुर धाम के लिए अलग अलग बसें हैं और सभी का जो फेयर है वो भी अलग अलग ही है, आपको यहाँ पे नॉन AC बस नहीं मिलेगा, दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इसलिए आपको नॉन AC बस नहीं मिलता है, आपको AC बस मिलता है। तो हम लोग एक बार पूछ लेते हैं कि जनकपुर धाम और काठमांडू के लिए जो बस है उसका फेयर क्या है। काठमांडू के लिए सर पटना से फेयर 1015। काठमांडू के लिए 1015 और जनकपुर धाम के लिए अच्छा, तो जनकपुर धाम के लिए 300 कुछ रुपये आपको ले जाते हैं, या कि अगर मान सकते हैं 300 से 400 के बीच में आपको जनकपुर के लिए यहाँ से बस मिल जाती है। तो नेपाल काठमांडू के लिए एक दिन नेपाली बस जाती है और एक दिन भारतीय बस जाती है, यानी कि ये दोनों जो बसें हैं आपस में अल्टरनेट होते हुए जाती है, क्योंकि वहाँ जो है भाई पहाड़ी इलाका है और पहाड़ पे ही चढ़ना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये प्रत्येक दिन आपको यहाँ से बसें मिल जाएंगी अगर आप नेपाल या काठमांडू जाना चाहते हैं, तो यहाँ से 1:30 बजे दिन में आपको बस मिल जाएगी काठमांडू के लिए, और काठमांडू से शाम में 6 बजे आपको बस मिल जाएगी पटना के लिए। और गाइस, यहाँ की सबसे बड़ी खबर ये है कि आपको ये जो गांधी मैदान बस स्टैंड है
ये लगभग कुछ महीनों तक के लिए यहाँ पे है, उसके बाद इसे फुलवारी शरीफ में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फुलवारी जेल के पीछे ही इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहीं पे वहीं से ये जितने भी बसें हैं वहीं से संचालित की जाएंगी, और जितने भी इलेक्ट्रिक बसें हैं सभी का वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट ही मिलेगा। वहीं से आपका ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही साथ वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी किया जाएगा। यानी कि अगर मान के चलें तो इस साल के अंत तक, या फिर कहा जा रहा है अक्टूबर तक, ये जो है गांधी मैदान का जो बस स्टैंड है वो फुलवारी शरीफ में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो थोड़ा टाइम है, और फिलहाल अभी अक्टूबर तक आप यहां से ले सकते हैं टिकट और बुक कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद से आपको बस जो है वो आपको फुलवारी शरीफ से मिलेंगी। तो यहाँ से आप पटना टू औरंगाबाद जा सकते हैं, यहाँ से आपको पटना से औरंगाबाद के लिए बस मिल जाएंगी। तो सभी का फेयर क्या है? 270। 270 और नॉन एसी या एसी? एसी। तो एसी है 270 रुपया। यहाँ से टाइमिंग भाई ने बता दिया है कि ये यहाँ कौन सा टाइमिंग है बताया? सुबह में 6:15, दोपहर में 2 बजे, शाम में 4 बजे। तो इन सब टाइमिंग में आपको यहाँ से बस मिल जाती है औरंगाबाद के लिए, और नीचे जो नंबर है उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर से भी टिकट बुक करते हैं तो मोबाइल से भी आपका ये जो नंबर नीचे दिया हुआ है उससे भी आपका टिकट बुक हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे भाई साहब ने एक रजिस्टर रखा है, उसमें सभी लोगों का डिटेल्स लिखा जाता है। तो टिकट आपको बस में मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको पैसे भी बस में ही देने होते हैं। जब आप बस में चढ़ेंगे तो उसी समय आपको टिकट मिल जाती है, और पैसे भी आप उस समय दे सकते हैं। और टिकट बुक करते टाइम आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा जाता है, और जहाँ से आप चढ़ने वाले हैं वो भी स्थान यहाँ पे रजिस्टर में लिखा दिया जाता है। तो ये देखिए, जितने भी लोगों ने मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट करके अपना टिकट बुक करवाया है तो सभी का यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और वो कहाँ कहाँ से चढ़ने वाले हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो टिकट लोगों को मिलेगा बस पर ही, और पैसा भी है, और पैसा भी जो है वो बस में ही देंगे। तो काफ़ी अच्छा सुविधा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर से आराम से बुक कर सकते हैं। तो जो भी पैसेंजर पटना से जमशेदपुर जाने वाले हैं तो अभी एक नज़र देख लीजिए, यहाँ 1/2 गाड़ी चलती है। 1/2 जी, 1/2, एक पटरी जिनको सिंगल लेडीज है, अकेला बैठने वाला है या अकेला सोने वाला है, सारा सुविधा है। 1/2 गाड़ी एसी बस में, फुली एसी गाड़ी। टाइमिंग क्या है? 7:30 का टाइमिंग है, 8 बजे खुलना पर डे। पर डे तो पर डे 8 बजे रात में यहाँ से जमशेदपुर के लिए बस मिल जाती है, और उसका फेयर 900 बैठने का है, 1000 सोने का। तो 900 है वो सिटिंग वाला है, और अगर आप सो के जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 पे करना पड़ जाता है। जिस लेडीज को अकेली सफर करती है उसके लिए सबसे ज्यादा सुविधा है, अकेले सो सकती है, और अकेले बैठना पसंद करती है तो अकेला बैठ सकती है। अच्छा, तो उसके लिए फेयर सोने का 1000 है, बैठने का 900। अच्छा अच्छा, ठीक है। 7:30 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे खुलती है। रात में या दिन में? रात। रात में जी, दिन भर बुकिंग चालू रहता है, एडवांस बुकिंग एनीबडी कभी भी टिकट ले सकते हैं। हाँ। और 7:30 का टाइमिंग है, 8 बजे गाड़ी खुल जाती है, सुबह 6:30 बजे पटना जमशेदपुर मानगो बस स्टैंड होता है। अगर आपको इसके बाद भी किसी तरह की कोई क्वेरी होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे पूछताछ काउंटर है, आप यहाँ से पूछताछ कर सकते हैं, अपने बस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और मेरे पीछे आपको फेयर चार्ट दिख रहा होगा, सभी जगहों का यहाँ पे फेयर चार्ट भी दिया हुआ है एक लाइन से, तो आप इस फेयर चार्ट को भी देख सकते हैं। तो ये है फेयर चार्ट, आपको यहाँ से ऑर्डिनरी, डीलक्स, ऐसी बसें मिल जाती हैं, और जितना भी है यहाँ पे पटना राजगीर, पटना बिहार शरीफ, पटना नवादा, ये सभी का सभी है, देख सकते हैं। और साथ ही साथ सभी का फेयर लिखा हुआ है। अगर आप एसी से जाना चाहते हैं तो एसी का यहाँ है, डीलक्स चाहते हैं तो डीलक्स यहाँ है, और ऑर्डिनरी चाहते हैं तो ऑर्डिनरी आपका यहाँ है। और जितने भी ये प्राइस है ये सभी का सभी सही है। ये है सरकारी बस की सेवा, यहाँ से आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप कहीं जाना चाहें, अगर आप अपना टिकट बुक करना चाहें, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे सभी तरह की सुविधा आपको मिल जाती है, पीने के लिए पानी है, शौचालय है,
तो सभी तरह का सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो गाइज, ये था गांधी मैदान बस स्टैंड का सारा जानकारी, और अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ ही हंसते रहिए, खुश रहिए।